नवानगर थाना के अंतर्गत 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां मासूम बच्ची का इलाज जारी है। पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना सुबह की है, जब बच्ची घर के पास खेल रही थी। उसी समय आरोपी ने बहला फुसला कर उसको ले जाकर घटना को अंजाम दिया। हालांकि घटना के वक्त घर में मासूम अकेली थी, माँ बाप पास में ही मजदूरी करने गए हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन घर पहुंचे और इसके बाद उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल घटना की जानकारी के बाद पुलिस भी एक्टिव हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। काम पे चला गया सुबह 8 बजे। मैं और मेरी बीवी सुबह 8 बजे चले जाते हैं, बच्ची को नहला धुला के मुंह पे रख जाते हैं। 1 बजे आते हैं, बच्ची से उठ से रहता है और आज पता नहीं क्या हुआ। करीब 11 बजे, 10:30-11 बजे के बीच में मेरे को बताया गया कि तुम्हारा बच्ची ने बीमार है। मैं घर बात से बात से आया आया था तो देखा तो वहाँ भीड़ जमा था तो देखा तो मैं भाई सुबह रिएक्शन भी किया हूँ, मैं खड़ा के नहा के। इसके बाद देखा तो एक दीदी ने मेरे बच्चे को गोदी में रखा था, तो होश था बच्ची का। फिर वहाँ से मैं हॉस्पिटल में ले गया। मासूम बच्ची 5 से 6 वर्ष के बीच में जिसकी उम्र है, उसके साथ जो है रेप की घटना कारी थी, तो तत्काल जैसी सूचना अपने पास आई, आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिया और अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और उसमें बाकी मेडिकल वगैरह जो जांच होनी है और FSL के बुला करके, FSL रीवा अभी पहुंचा नहीं है, वहां से घटनास्थल से सारी चीजें ताकि स्टैब्लिश हो जाए और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।